ड्रामा थ्री में कि आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे, जैद इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उसके डैड मुबशर जैसी लड़की को उसकी जिंदगी में शामिल करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। लेकिन ये बात तो वो अच्छी तरह से जान चुका है कि आयरा जैसी लड़की को वो कभी भी उसकी जिंदगी में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उसका ताल्लुक एक गरीब फैमिली से है। डैड, आप कश्माला के लिए रयान का हाथ मांग सकते हैं, तो मेरे लिए आयरा का हाथ क्यों नहीं मांग सकते? क्या आपकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आयरा से किस हद तक मोहब्बत करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आयरा का ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है जैद। तुम जानते भी नहीं कि अगर हमने उस लड़की को इस घर की बहू बनाया ना, तो लोग हम पर हंसेंगे। मैंने हमेशा से यही ख्वाहिश रखी है कि तुम्हारी शादी हमारे जैसे एक ऊंचे घराने में हो और मुबशरा में कोई कमी नहीं। तुम यकीन मानो, वो तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करेगी। अगर तुम इस रिश्ते के लिए रजामंद ना हुए ना, तो तुम्हारी अपनी बहन कश्माला का घर भी बर्बाद हो सकता है। कश्माला रायान से बहुत मोहब्बत करती है। अगर तुमने मुबशरा को अपनी जिंदगी में शामिल ना किया, तो रायान भी इस रिश्ते से इनकार कर सकता है। तुम्हें सोच समझ कर ही फैसला करना होगा। तब तो जैद को समझ ही नहीं आती कि वो अपने डैड को कैसे समझाए कि मुबशरा जैसी लड़की कभी भी अपना घर बसाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।